हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल और रूप्स। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें कौन सी चीज़ें एक साथ नहीं खानी चाहिए। आप डेली में या कभी किसी शादी पार्टी में गए होंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा कि लोग बिना सोचे समझे कुछ भी खाते हैं। अगले दिन कई लोगों का पेट खराब हो जाता है तो कुछ लोगों को अन्य तरह की समस्याएं होने लगती हैं। इसका मतलब यह है कि लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि हमें किस चीज़ के साथ क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनका मेल सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आपको किस चीज़ के साथ किस चीज़ को मिलाकर नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हम दूध के साथ क्या मिला के ना खाएं। जैसे कि दही नहीं खा सकते हैं, नमक नहीं खा सकते हैं, खट्टी चीज़ें जैसे कि संतरा है, नींबू है, मौसम्बी है, इमली है, तो इन सबको हम दूध के साथ नहीं खा सकते हैं। और आप खरबूजा नहीं खा सकते हैं, नारियल, मूली, बेल, प्याज, इन सबको दूध के साथ मिलाकर कभी नहीं खाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि दही के साथ आप क्या नहीं मिला के खा सकते हैं। जैसे खीर है, गर्म भोजन है, केले का साग है, खरबूज है और मूली है, इन सबको आपको दही के साथ नहीं खाना है। शहद के साथ आपको मूली नहीं खानी है, खरबूज नहीं खाना है, अंगूर नहीं खाना है, ये सब इसके विपरीत होते हैं। अब मैं बताऊंगी कि आपको घी के साथ क्या नहीं मिला के खाना है। जैसे कि ठंडा दूध है, ठंडा पानी है, समान मात्रा में शहद है, इन सबको आपको घी के साथ मिला के नहीं खाना है। कटहल के साथ आपको पान नहीं खाना चाहिए। चावल के साथ आपको विनेगर यानी सिरके का सेवन नहीं करना चाहिए। मूली के साथ आपको कभी गुड़ नहीं खाना चाहिए। तरबूज के साथ पुदीना या शीतल जल, या आपको तरबूज के साथ नहीं खाना चाहिए। तरबूज के साथ वैसे आप किसी भी फल का सेवन साथ में नहीं कर सकते, केवल तरबूज का ही सेवन करें। चाय के साथ खीर, ककड़ी, ठंडा फल या ठंडा पानी, ये सब आप चाय के साथ सेवन मत करें। संतरा या केला एक साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खट्टे फल मीठे फलों से निकलने वाली जो शुगर होती है उसमें रुकावट डालते हैं, जिससे डाइजेशन सही नहीं होता है। इसलिए आपको संतरा और केला को एक साथ नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ प्याज कभी मत खाएं, 20 बीमारियां आपके पास आएंगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपकी स्किन में, खाज होगी, खुजली होगी, सोराइसिस हो जाएगा, आपको एक्जिमा हो जाएगा अगर आप प्याज दूध के साथ खा रहे हैं तो। और दूध के साथ कभी आप कटहल मत खाएं। उड़द की दाल के साथ आप कभी दही मत खाएं। उड़द की दाल अकेली खाएं। ये कुछ चीज़ें थी जिनको आपको साथ में नहीं खाना है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। अपना प्यार ऐसे बना के रखिए। बाय बाय।